गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। माई सेल्फ अनिता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स सेल्स के अंदर पाए जाने वाले सबसे छोटे कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल हैं और यह झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वह RRNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी हुई संरचनाएं होती हैं। सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी के इसकी खोज के बारे में देखते हैं। तो राइबोसोम्स को सबसे पहले रॉबिन्सन एंड ब्राउन नामक दो वैज्ञानिकों ने 1953 में प्लांट सेल्स में खोजा था। उसके बाद 1955 में पैलेट द्वारा एनिमल सेल्स में इनकी खोज की गई। पैलेट ने ही 1955 में इसको राइबोसोम नाम दिया। तो हम देखते हैं कि लार्ज नंबर्स ऑफ राइबोसोम सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम ई कोलाई बैक्टीरिया की जो सिंगल सेल है इसको हम देखें तो इसके अंदर 20,000 से लेकर 30,000 तक राइबोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें तो यहाँ पर इसका नंबर काफी ज्यादा होता है और कई गुना होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं वह राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, अर्थात RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बने हुए पार्टिकल्स हैं। इनकी लेंथ अगर हम देखें तो 200 से 340 एंगस्ट्रम इनकी लेंथ होती है और डायमीटर 170 से 240 एंगस्ट्रम होता है। राइबोसोम ही वह साइट है जहां पर प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस हो रहा है, इसीलिए राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज या सेल इंजन भी इसको कहा जाता है। आकृति अगर हम राइबोसोम्स की देखें तो यह सब स्फेरिकल आपको दिखाई देगी और इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, अर्थात यह झिल्ली रहित कोशिकांग है। प्रत्येक राइबोसोम के अंदर दो अनइक्वल सब यूनिट्स होती हैं। लार्जर सब यूनिट को आप देखोगे तो यह डोम शेप दिखाई देती है और स्मॉलर जो सब यूनिट होती है वह ऑब्लेट इलिप्सॉइड दिखाई देती है। लार्ज सब यूनिट को हम देखें तो उसमें एक प्रोट्यूबरेंस रिज और स्ट्रोक देखने को मिलेगा और स्मॉलर सब यूनिट जो होती है उसके अंदर आपको प्लेटफॉर्म क्लेफ्ट हेड एंड बेस दिखाई देता है। जो स्मॉलर सब यूनिट है उसकी साइज लार्जर सब यूनिट से लगभग आधी होती है। द स्मॉलर सब यूनिट फिट्स ओवर द लार्जर वन एट वन एंड लाइक ए कैप। तो देखते हैं कि जो संरचना इस तरह से है कि जो स्मॉल सब यूनिट होती है, जो स्मॉलर सब यूनिट है वो लार्जर सब यूनिट के अंदर फिक्स हो जाती है लाइक ए कैप। दोनों सब यूनिट्स के जुड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बिलो 0.001 m मोल से अगर कम है तो वो दोनों सब यूनिट्स डिसोसिएट रहती हैं, और अगर इससे ज़्यादा है तो मैग्नीशियम आयन की दोनों सब यूनिट्स आकर एसोसिएट हो जाती हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों सब यूनिट्स को जुड़ने के लिए कुछ जो निर्धारित कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए वह हमारी यहाँ पर आप देखो 0.0001 मोल होनी चाहिए। आप यहां पर देखेंगे कि जब लो कॉन्सेंट्रेशन होती है मैग्नीशियम आयन की तो दोनों सब यूनिट डिसोसिएट है, और जब इससे ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन तो राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट जुड़ गई हैं। जब हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है तो दोनों ATS और ATS मिलकर डायमंड टाइप की संरचनाएं बना लेते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ राइबोसोम आप इजीली देख सकते हैं। जो स्मॉलर सब यूनिट है उसके अंदर आपको हेड एंड बेस दिखाई देने दे रहा है और प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो 50S सब यूनिट है, जो लार्जर सब यूनिट है, उसमें सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, स्ट्रोक और रिज आपको देखने को मिलते हैं। तो संरचनाएं इस तरह से हैं कि यह एक दूसरे में, यहाँ खांच आपको दिख रही है, यहाँ वैली आपको दिख रही है, तो एक दूसरे में ये फिट हो जाती है, इस तरह की इनकी संरचनाएं हैं। नाउ ऑकरेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम या तो सिंगल फ्री अवस्था में आपको सेल के अंदर दिखाई देंगे,
यानी मोनोसोम्स के रूप में, या कई बार ये आपको पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स के रूप में दिखाई देंगे। पॉलीसोम्स मीन्स पॉली मीन्स मैनी और सोमा मीन्स बॉडी, यानी काफी जो राइबोसोम्स हैं वह आपको पॉलीसोम्स के रूप में दिखाई देंगे। तो पॉलीसोम्स के रूप में आपको कब दिखाई देंगे, जब एमआरएनए पर राइबोसोम्स जुड़े हुए होते हैं कई सारे, एक के बाद एक के बाद एक राइबोसोम्स आकर जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि यह कब होता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है तो एमआरएनए आकर सबसे पहले राइबोसोम पर जुड़ता है, फिर वहां पर कई सारे राइबोसोम्स आकर जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक ही तरह का पॉलीपेप्टाइड काफी ज्यादा संख्या में चाहिए होता है, कई कॉपीज हमें सैम पॉलीपेप्टाइड्स की चाहिए होती हैं। तो उस समय राइबोसोम्स एक चेन में आकर एमआरएनए पे जुड़े हुए दिखाई देंगे। इसी तरह की जो संरचना है उसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। सो पॉलीराइबोसोम आर फॉर्म ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस व्हेन अ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द सेम पॉलीपेप्टाइड्स आर रिक्वायर्ड। हम ये देखते हैं कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो सभी लिविंग सेल्स में होते हैं, लेकिन जो मैमिलियन आरबीसी है उसके अंदर ये एब्सेंट होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राइबोसोम्स कहाँ पाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है साइटोप्लाज्मिक एंड दूसरा है ऑर्गेनेल। तो जो ऑर्गेनेल राइबोसोम्स होता है यह प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स है वह साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में फ्री अवस्था में या फिर अटैच्ड अवस्था में पाया जा सकता है। अटैच्ड ये किससे रहता है, तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड रहता है। तो राइबोसोम जो अटैच्ड अवस्था में है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्पेशल एक प्रोटीन होता है राइबोफोरिन, जिसको SRP प्रोटीन कहते हैं, उसकी मदद से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जुड़ा रहता है। और जो बड़ी सब यूनिट होती है वही आकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई दिखाई देगी आपको। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रोटीन निर्माण होता है राइबोसोम्स पर। तो डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स बनते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होते हैं वो अधिकतर फ्री साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम पर बनते हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होते हैं वह जो अटैच्ड या राइबोसोम्स हैं जो ER से जुड़े हुए हैं उन पर होते हैं। इस प्रकार हमते हैं कि जो बाउंड राइबोसोम्स होते हैं उन पर जो प्रोटीन बनता है तो वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिस्टर्नी होती है उसमें आ जाता है, और फिर यहीं से इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन होते हैं, फोल्डिंग होती है, और यह सेल के अंदर और सेल के बाहर पहुंचाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो सेंट टू इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनल्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन जो होते हैं उनके अंदर फोल्डिंग्स होती है और उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड चैपरोन्स। तो चैपरोन्स की हेल्प से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द साइज ऑफ द राइबोसोम इज डिटरमाइंड बाय द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इन द सेंट्रीफ्यूज। तो जो हम एस कह रहे हैं कि भाई यूकैरियोट्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स हैं या प्रोकैरियोट्स में 70S, तो यहाँ पर जो एस है उसको हम स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। और स्वेडबर्ग यूनिट को अगर हम टाइम्स में देखें तो यह 10^-13 सेकेंड होता है। इस प्रकार जो राइबोसोम्स हैं यूकैरियोट्स में वो 80S है और प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स हैं ये दो सब यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। लार्जर को 50S कहते हैं और स्मॉलर को हम 30S कहते हैं। 50S सब यूनिट के अंदर 5S और 23S तरह के RRNA और 34 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वह 16S RRNA और 21 टाइप्स के प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यूकैरियोट्स में हम देखें तो 80S तरह के यहाँ पर राइबोसोम आपको देखने को मिलेंगे, और जो बड़ी सब यूनिट है वह 60S होती है, जिसके अंदर 5S, 5.8S, 28S और 50 टाइप के इसमें प्रोटीन्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो स्मॉलर सब यूनिट है जिसको हम 40S कहते हैं, उसके अंदर 18S RRNA प्लस 30 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। इसी को हमने यहाँ स्ट्रक्चर के रूप में भी बताया हुआ है, सेम एज इट इज़ है। दो तरह के जो सब यूनिट्स हैं
आपको दिखाई दे रही है, ये 80S टाइप का राइबोसोम है और ये 70S टाइप का राइबोसोम है। तो 70S टाइप का राइबोसोम हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, प्लास्टिस्ट्स में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S टाइप का ही राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम हैज फोर साइट्स फॉर स्पेसिफिक अटैचमेंट। सबसे पहले तो एमआरएनए बाइंडिंग साइट होती है, एमआरएनए सबसे पहले आकर स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ता है। दूसरी साइट होती है ए और एमिनो एसिड साइट। यहाँ पर जो न्यूली अराइव्ड एमिनो एसिड होता है जिसको कैरी करके लाता है टीआरएनए, तो टीआरएनए यहाँ पर आकर जुड़ता है जिसके साथ क्या अटैच रहता है, एमिनो एसिड। पी और पेप्टाइडल साइट विद टीआरएनए कैरिंग ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पर जो ए साइट पर जो एमिनो एसिड जो टीआरएनए था, जो एमिनो एसिड लेके आ रहा था, तो वो पी साइट पर आ जाता है और जो पॉलीपेप्टाइड की जो ग्रोइंग चेन है वह होती है यहाँ पर, क्योंकि पी साइट पर जो टीआरएनए होता है उसके अमीनो एसिड और ए साइट पर स्थित टीआरएनए के अमीनो एसिड के बीच में क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है उसके बाद तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ई और एग्जिट साइट और फोर फ्री टीआरएनए, जो टीआरएनए राइबोसोम को छोड़ दिया है वह ई साइट पर आ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 80S राइबोसोम्स होते हैं वह उनका जो आरआरएनए है वह न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है, लेकिन एक 5S जो आरआरएनए है इसका सिंथेसिस जो होता है वह न्यूक्लियोलस के अंदर ना होकर सामान्य डीएनए जो होता है उस पर होता है। नाउ फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं या इसको हम सेल इंजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि राइबोसोम ही वह साइट होते हैं जहां पर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। दूसरा फंक्शन हम देखें कि जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वह सिंथेसाइज करते हैं स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन फॉर यूज इनसाइड द सेल, और जो अटैच्ड राइबोसोम है जो ईआर से अटैच्ड है वह अधिकतर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तीसरा फंक्शन यह है कि जो राइबोसोम है वह खुद एक एंजाइम यानी एक कैटेलाइटिक एंजाइम की तरह फंक्शन करता है, कैटेलाइसिस की इसमें एक्टिविटी होती है जिसको हम कहते हैं राइबोजाइम। तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की तरह काम करता है और पेप्टाइडल बॉन्ड बनाता है दोनों एमिनो एसिड्स के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है राइबोसोम का। देन हम नेक्स्ट फंक्शन देखें तो राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है, आरआरएनए होता है और आरआरएनए ही प्रोवाइड करता है अटैचिंग पॉइंट टू एमआरएनए एंड टीआरएनए। सो एमआरएनए एंड टीआरएनए कहाँ पर अटैच होते हैं, आरआरएनए पर। नाउ एमआरएनए, तो इस प्रकार हमने देख लिया कि जो राइबोसोम हैज ए टनल फॉर एमआरएनए सो डेट इट कैन बी ट्रांसलेटेड प्रॉपरली, क्योंकि जो डीएनए की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वह एमआरएनए के रूप में आती है और एमआरएनए के जो कोड्स होते हैं उन्हीं को रीड करते हुए एमिनो एसिड आकर जुड़ते हैं और उन एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइडल बॉन्ड बनते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जो फर्दर प्रोटीन बनाते हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं इस प्रकार से होते हैं कि जो एमआरएनए है वह प्रॉपर रूप से ट्रांसलेट हो सके। अगला फंक्शन है प्रोटेक्शन का। राइबोसोम्स पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वह साइटोप्लाज्मिक एंजाइम से सुरक्षित रहती है। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर वह नहीं बन जाती तब तक लार्जर सब यूनिट जो होती है राइबोसोम की, जो लार्जर सब यूनिट है वह उसको प्रोटेक्ट करती है। आप देख सकते हैं कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड इज प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स बाय एनक्लोजिंग इट इन द ग्रूव ऑफ लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम टिल इट अटेन्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब तक उसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं आ जाती तब तक वह सुरक्षित होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह राइबोसोम्स की इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। स्ट्रक्चर में आपने देखा मुख्य रूप से जो राइबोसोम होते हैं वह आरआरएनए प्लस प्रोटीन के बने हुए होते हैं। केमिकल कंपोजिशन में
जैसे हमने पढ़ा कि आरएनए जो राइबोसोम है वह आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई संरचनाएं होती हैं। ये सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं इस और यह एक झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। इनको हम सेल इंजन भी कहते हैं या इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राइबोसोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। इस प्रकार आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDB GGC कोटा। धन्यवाद।